एमपीडीटी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर आप लोगों के कई सारे डाउट आ रहे थे कि भैया कब हमारे एमपीडीटी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो एमपीडीटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक न्यू अपडेट आया है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको जो साइड में न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये इंदौर नई दुनिया का पेपर है 11 जून का ही। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या न्यू अपडेट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रदेश भर के इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेजों में प्रवेश को लेकर जल्दी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTE ने ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर संभावित तारीख तय कर दी है। बीटेक डी फार्मा में जून तीसरे सप्ताह से, यानी कि जो हमारे BE इंजीनियरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो जून के तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होने वाले हैं। तो MBA में जून अंतिम सप्ताह से पंजीयन होंगे, यानी कि MBA के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट वीक में आपके पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे। और आगे लिखा है हमारा DTE के अधिकारियों के मुताबिक 15 जून के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा, यानी कि 15 जून के बाद आपका जो MPDT की काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। विद्यार्थी पसंदीदा पाठ्यक्रम में MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 1,00,000 से अधिक BTEC, BE BTEC, B फार्मा, D फार्मा, 4,000 MBA, 15,000 MCA सीटें हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा सरकारी और निजी कॉलेज शामिल हैं। विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापित करवाने होंगे। अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, माइग्रेशन DC, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और भी MPDT के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको पहले ही आप बनवा के रख लें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। चलिए और नीचे देखते हैं, माइग्रेशन TC सहित अन्य दस्तावेजों की जांच होगी, फिर चॉइस फिलिंग में बताना होगी। अशासकीय महाविद्यालय संचालक संघ की सदस्य डॉक्टर कविता कासलीवाल ने बताया कि DTE का शेड्यूल आने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यानी कि आपको इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके जो DTE की रजिस्ट्रेशन है वो 15 के बाद थोड़े ही दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही DTE ने भी ऑफिशियली नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ तो नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने ये बताया कि क्या होता है कि पहले स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रहती हैं उन्हें भी DTE में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसकी डेट इन्होंने बता दी है कि उनकी डेट 3 से 14 जून तक उनकी चलने वाली है। तो ये आपके लिए एक न्यू अपडेट था कि आपके जो MPDT की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, इसलिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले ही बनवा के रख लें। उसकी वीडियो भी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आपके MPDT काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। और भी आपका MPDT काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। और यदि आपको ITDABB और HGSITS इंदौर के बारे में जानना है तो उनका मैंने फुल रिव्यू किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। साथ ही डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो को देखना मत भूलना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनको आप किस तरीके से बनवा सकते हो वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। और ऐसे ही MPDT काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।